हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ गुजरात की फेमस डिश पात्रा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पात्रा बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो चलो मैं भी आपको सिखाती हूँ ये पात्रा बनाना। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा कटोरा लिया हुआ है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कटोरी बेसन। मैंने यहाँ पर 3 बाउल बेसन ले लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 से 3 नींबून का रस। आप यहाँ पर नींबून की जगह पे आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप गुड़ का पानी यूज किया हुआ है। आप चाहे तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ खाने वाला सोडा। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मिश्रण अच्छे से बन चुका है। बिल्कुल आपको इस तरह का थोड़ा सा थिक चाहिए, आप इसको पतला मत कीजिएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह का बैटर रखिए। तो चलिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम पत्ते को देख लेते हैं। पात्रा बनाने के लिए इस तरह का अरवी का पान का यूज़ किया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं इसके ये ऊपर वाला पार्ट है वो निकाल दूंगी। बिल्कुल इस तरह से आप इस पार्ट को हटा दीजिए। मैं इस दोनों तरफ से भी ऊपर वाला जो हिस्सा है वो निकाल दूंगी। बिल्कुल इस तरह से आप इसको निकाल दीजिए और इस पत्ते को आप अच्छे से साफ करके ही यूज़ कीजिए। और इस पत्ते को ये आगे वाला पार्ट है, हम इस पर बैटर नहीं लगाएंगे, हम इसके पीछे वाले पार्ट पे बैटर लगाने वाले हैं। और जो हमने यहाँ पे ये बैटर बनाया हुआ है वो हम अब पत्ते पे अच्छी तरह से फैला देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से आपके पूरे पत्ते पर फैला देना है इसको। बिल्कुल इस तरह से आप बैटर को अच्छी तरह से फैला दीजिए। और मैं यहाँ पे दूसरा पत्ता लूंगी और इसको मैं इस तरह उल्टा इस पर रख दूंगी। मैं यहाँ पर 3 लेयर में बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो 4 या 5 लेयर में भी इसको बना सकते हैं। अब मैं फिर से इस पर बैटर लगा दूंगी। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सर लग चुका है। अब मैं फिर से तीसरे पत्ते को इस पर इस तरह रख दूंगी और फिर से मैं इस पर बैटर लगा दूंगी। बिल्कुल अच्छे से मिक्सर लग चुका है। अब हम पात्रे का रोल करेंगे। पात्रे में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है कि हम इसका रोल अच्छे से बना लें। अब मैं इसका साइड वाला पार्ट है पहले उसको इस तरह कर दूंगी और इस तरफ से भी आप ऐसे कर लें। अब इस पर भी मैं
बेसन का घोल लगा दूंगी अच्छी तरह से। और अब हम इसको नीचे से अच्छे से टाइट करके रोल बना देंगे। बिल्कुल इस तरह से टाइट करके आपको इसका रोल बनाना है। अब थोड़ा हम इस पर भी अच्छे से बेसन लगा देंगे ताकि ये बीच में से भी अच्छे से लग जाए इसका गोल। और लास्ट में भी हम इसको अच्छे से कवर करेंगे ताकि ये खुले नहीं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से रोल हो चुका है। अब हम इसी तरह सभी पात्रे को बना लेंगे। तीन तीन लेयर में ही मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने पात्रे के सारे रोल अच्छे से तैयार कर लिए हैं। अब आपने जो रोल बनाया हुआ है वो हम अच्छे से स्टीम कर लेंगे। मैंने अपना यहाँ पर स्टीमर को चालू कर दिया है और पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसको रखकर आधे घंटे तक पकने दूंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पात्रा बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी और 10 मिनट तक हम इसको ठंडा कर लेंगे। हमारे सारे रोल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से इसका पीसेस कर लूंगी। देखिए बिल्कुल इस तरह आपको अच्छे से पीसेस कर लेने हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह से आप सारे पीसेस कट कर लीजिए। अब मैं इसका तड़का लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक पैन को अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल और इसको हम गर्म कर लेते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच राई आधी चम्मच हींग 2 कटी हुई हरी मिर्च 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच तिल। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी पात्रा। और हम इस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा तड़का अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। ये पात्रे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल देती हूँ। तो लीजिए हमारी गुजराती फरसान की फेमस डिश पात्रा अब रेडी हो चुके हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।